पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसान आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। भेंट मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि आम जनता की चेकिंग हो रही है, काला वस्त्र उन्हें पहनने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव का रिजल्ट 2023 भाजपा के पक्ष में आएगा, इस बात को इसलिए इंगित कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता जान चुकी, पहचान चुकी है कांच की हांडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती। इस सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों को सबको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वो लोग, और जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है और मुख्यमंत्री जी अभी निकले हैं जनसंवाद करने, संपर्क करने, वहां तो जो आदमी जा रहा है उसकी इतनी चेकिंग हो रही है, जो काला कपड़ा पहना हुआ है तो उसका काला शर्ट निकाल दो, कोई दुपट्टा डाला तो निकाल दो, कल तो यहां तक आ गई स्थिति, महिला ब्लाउज पहन के आई थी काला तो उसको बोला ये निकाल क्या। जनप्रतिनिधियों को आप अपेक्षित बुलाते हो कार्यक्रम में आइए और उनको घर से उठा देते, चिंता का विषय ये नहीं है, अगर कुछ किया होगा तो बताओ देना, और जब कुछ किया ही नहीं, 5 घंटे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घूमे मुख्यमंत्री साहब, एक बड़ा काम बता दो, फिर क्या हुई राजधानी के अंदर कि मुख्यमंत्री जी एक काम बता दो 20 करोड़ रुपए का जिसका भूमि पूजन आपने किया हो और उसका लोकार्पण आपने क्यों राजनीति छोड़ा।